कलंदरी सुपर लीग सबकी जुबान पर, सबकी जुबान पर यही फसाना है, हर कोई कलंदरी सुपर लीग का दीवाना है। मैं भी बता रहा देखा इतनी देर से जितनी मुझे तकरीबन 16 साल हो गए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का वक्त का। यूथ के दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं हमारी यूथ, उसको हम एक्टिविटीज से क्राउड की तरह, ग्राउंड की तरह शुरू करें, हमारा मिशन ये था। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ नक्कर नाली के मुकाम पर, जहाँ पे क्रिकेट का सुपर लीग शुरू हो गया है और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे सुपर लीग का आगाज हुआ है। इसका सातवां सीजन चल रहा है, तो बहुत ही पुरफजा मुकाम पे ये लीग होती है हर साल। बाहर से काफी लोग प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे और इस बार मेरे ख्याल में 24 टीमें मैच खेल रही हैं। आज लीग का तीसरा दिन है और इस तरफ देखें कि किस तरह खूबसूरत मंजर है, और साथ में इसी तरफ दूसरी जगह देखा जाए तो इस टाइम प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपस में टीमें मैच डाला और शायकीन मौजूद है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बैठे हुए फादी का फिर चलता है यार, फादी ने अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को हवा में खेलने का अच्छा आउट में खतरा, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश है और जाने बैठ तो नहीं कैसे लिया है, जी हां चमनी प्लस ऑफ एन इंग्लिश मैन, ही टेक्स अ सॉफ्ट डिसमिसल। मेरे साथ मौजूद है आजाद कश्मीर के जाने माने फास्ट बॉलर कादर कश्मीरी टेप बॉल के, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कितना अर्सा हो गया इस एरिया में आते हुए और कितना सीजन हो गया खेल चुके हैं। कादर भाई बिस्मिल्लाह रहमान, शुक्रिया भाई जी, मुझे माशाल्लाह से 6-7 सीजन हो गए हैं आते हुए। 2017-18 में पहली दफा आए थे और यहाँ से हम फाइनल आ रहे थे, उसके बाद 3-4 सीजन जीते हैं और पिछले सीजन में नहीं खेला था कोई वजूहत की वजह से, तो साल ही आए थे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस साल जीत के जाएं। तो कादर भाई इस बार आप कौन सी टीम के साथ आए हैं? शेन क्लब नर के साथ आया, और जो क्लब जो आप टॉर्नामेंट जीते हैं उनमें कौन सा क्लब, लंदरी के किसी क्लब के साथ या सुनती के क्लब के साथ खेल चुके हैं? जी जी, लंदरी में 2-3 क्लब में खेला हूँ, अपन वेगी टीम में खेला हूँ और फैसल वेगी टीम में और शेन क्लब नर में पिछले साल में, उससे पिछले साल हम जीते थे। और जी कालू भाई ये बताएं कि आपको व्यू पॉइंट के लिहाज से ये एरिया कैसा लगा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, उधर से आपको पता है क्राउड भी अच्छा है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि अगर अच्छा परफॉर्म करें और शायकीन को एंजॉय करें और अच्छा परफॉर्म करें और जीत के जाएं। तो मुझे ये बताएं कि धूप में यहाँ पे खेलने में कोई मसला तो नहीं हुआ? गर्मी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये हमारा कश्मीर आपको होता है, कश्मीर को ऐसे नहीं जन्नत जन्नत कहते हैं, ये हमारा कश्मीर आपको होता है, इधर गर्मी होती नहीं है, देखिए हम धूप में खड़े हैं, आजकल लोग गर्मी से मर रहे हैं, हम माशाल्लाह से इधर सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो धूप में खेलना आपको होता मुश्किल होता है, लेकिन इधर इतनी धूप में ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगर जीत के जाएं। तो कितना अर्सा हुआ आपको क्रिकेट खेलते हैं? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का वक्त का। मेरे साथ मौजूद है उस टूर्नामेंट में इस लीग के ऑर्गेनाइजिंग टीम मौजूद है अक्षर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर साहब फैसल साहब, साथ वकार साहब मौजूद है और मुजाहिर साहब मौजूद है, बात करते हैं अक्षर साहब से और उनके बारे में जानते हैं। फैसल साहब से आपका नाम है नाम क्या? हमसे भी एक्चुअली बेसिकली हमारे जो इवेंट का पर्पस है कि हमारा क्राउड है, हमारी जो नेशन है, हमारी यंगस्टर है, उनको खेलों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारा क्या तमाम हमारा जो लोग हैं उनको ग्राउंड की तरफ हम फिर करने के लिए किया गया है, जो मेन हमारा पर्पस है। तो बेसिकली नौजवान नशे जो होती है हमारी यूथ है, तो दूसरी तीसरी डिफरेंट एक्टिविटीज में पड़ी हुई है, तो हमारी अपनी तरफ से यही कोशिश है कि यूथ के दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रही है हमारी यूथ, उसको हम एक्टिविटीज से क्राउड की तरह, ग्राउंड की तरह शुरू करें, हमारा मिशन ये था। और हमारा मिशन ये है कि इन फ्यूचर में भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक मेरे साथ ये मेरी टीम है। बेसिकली मैं तो चीफ स्पॉन्सर हूं इसका, जो मेरे विंग्स हैं बेसिकली वो सरदार नजाब का, सरदार असद एंड सरदार वकार भाई, इन्हीं की मेहनत से ही हमारा टूर्नामेंट चल रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो मेरे ख्याल आज से 6th-7th हमारा एडिशन चल रहा है शायद, और हमारे पास कोई भी टीम नहीं आती थी शुरू में, और अब हम सब की मेहनत की वजह से अब ये पोजिशन है हमारे पास कि पूरे आजाद कश्मीर, पूरे आजाद कश्मीर
कश्मीर का ये वाइड इवेंट है जहां हर तहसील की हर जिला की हमारे पास टीम होती है। अगर हम अभी उस इवेंट में हमारे पास अराउंड 26 टीम्स डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, और अगर हम ओपन करते हैं सारी टीम्स को तो मे भी हमारे पास मोर देन 50 टीम्स हो जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे इवेंट का ये है कि ये कश्मीर का इस तरह का इवेंट है जहां पर हम अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी जहां भी आप देखेंगे तो वहां ऑल पाकिस्तान जो प्लेयर्स होता है ऑल पाकिस्तान ओपन किया जाता है, जहां छह छह पाकिस्तान से सात सात प्लेयर आके पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं। बट हमारे इवेंट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट के लोकल प्लेयर होते हैं, साथ में दो ओपन पाकिस्तान से खेलने, और दो पाकिस्तान से खेलने का पर्पज ये होता है ताकि उनसे हमारे जो लोकल प्लेयर है सीख सकें। ये हमारा एक मिशन होता है और ये हमारा एक पर्पज है, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हम एक साथ हैं, इसको कंटिन्यू करने का प्रोग्राम है हमारा। सवाल है कि ये जो आप इवेंट करवाते हैं इस पर एक्सपेंसिस की छोटी सी बात बताते चले तो हमारे जो एक्सपेंस है मोर देन 3 मिलियन अराउंड 30 लाख तक आते हैं, और ये मेरे व्हील्स हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई एक वन कप ऑफ टी जिसको कह सकते हैं वो भी स्पॉन्सर नहीं करता, हम खुद ही स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ से उसको रियलाइज कर लें कि हमें कितना प्रॉफिट होता है या क्या बिजनेस होता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे पास तशरीफ आए और हमारा ये जो टूर्नामेंट है हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो और इस जगह को देखे तो ये हमारा ये कितना खूबसूरत जगह पर होता है, और हमारे साथ है ना बिल्कुल हमारे साथ किसी और किसी भी लोगों के साथ हमारे पास कार नहीं है, वो खुद भी हम काम नहीं करते, जितना भी हम लोगों को हम करवाते हैं ये सब हम अपने तौर पर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल की जो बात है तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ अब तक कार का कोई पालन नहीं किया, और साथ गवर्नमेंट भी थोड़ी सी पालन करे तो बहुत अच्छा सा पॉइंट है। यहाँ पर बहुत दूर से लोग रहे हैं तो यहाँ में चेन्नई के बहुत मुश्किल है, जो साहिबदान है मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि उसके इस ग्राउंड को इस जगह को खुशी कर दे ताकि हमारे इलाके में जो ये काम करते हैं यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ ये लाइव मैच हम दिखा रहे हैं, ये तकरीबन पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है। इस वजह से हमारे जो टूरिज्म का पॉइंट है ये बहुत खूबसूरत जगह है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास हमारे पास अभी कश्मीर में सब टीमों उसके साथ साथ हमारे साथ स्पेशल प्लेयर भी आते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे साथ अगर गवर्नमेंट भी कुछ चावल करे तो ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, और इसके इलाके में मजबूत करती है। मैं अपने लोगों को गुजारिश करूंगा कि आखिर पे मैं फैसल साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहे। गवर्नमेंट के लिए मेरा जो अपना पर्सनल मैसेज यही है, मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाऊँ स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री में चला जाऊँ, स्विट्जरलैंड के पास क्या है, कोई भी चीज नहीं है, कोई उनकी एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, वो उनकी जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फोकस किया जाए टूरिस्ट के हवाले से, रोड को बेहतर किया जाए, और जैसे इस तरह के स्पॉट्स हैं इसको कुछ गवर्नमेंट लेवल की फैसिलिटीज दी जाए, कुछ अच्छे गेस्ट हाउस हो जाए, होटल वगैरह हो जाए, तो लोग तो डेफिनेटली खुद बखुद इस तरह पुल होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट से और भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी अगर हमारी सपोर्ट की जाए 30-40% अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर ले ग्राउंड के लिए तो 70-60% हम खुद इसको ऑन कर लें और हमारा ग्राउंड कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजिम टीम का, फैसल साहब का, और जो आपका ये मिशन है उसी तरह कामयाब, हर साल उसी तरह कामयाबी के साथ चलता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी।